दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज की बातचीत का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि राजनीति में बहुत सारे लोग तो इसलिए बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं, MLA MP बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक परिवारों से आते हैं, तो इसलिए उनकी औलादों के लिए राजनीति में स्थापित होने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन राजनीति में एक तबका ऐसा है जिनकी राजनीति में सफल होने की बहुत आकांक्षा होती है और उनको अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है। आज हम कुछ ऐसे ही नेताओं के बारे में बात करेंगे, वो भी फरीदाबाद जिले के, कि उनका कोई उनकी कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं थी, राजनीतिक नहीं थी, उनका कोई राजनीतिक परिवार से नाता नहीं था, उसके बावजूद वो अपनी मेहनत से, मशक्कत से, रात दिन कठिन परिश्रम से उन्होंने राजनीति में बुलंदियों को छुआ है। और जो मैं मुख्य बात करना चाहता हूं इस मुद्दे पर वो ये है कि किसी की राजनीति पेरेंट एसोसिएशन से शुरू हुई। कई लोग नगर निगम का चुनाव लड़के पार्षद बन के आगे बढ़े, विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बने, हरियाणा विधानसभा में पहुंचे। और ऐसे भी हैं जो जिन्होंने राजनीति की शुरुआत पार्षद के चुनाव से हुई और वो बाद में अपनी मेहनत के दम पर MLA बने, मंत्री बने, सांसद बने और केंद्रीय मंत्री तक बने। तो दोस्तों, आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं ऐसे ही कुछ नामों की हम चर्चा करेंगे। उनमें पहला नाम है केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का। उनको भाग्य का बलि कहा जाता है। दोस्तों, 90 के दशक में कृष्णपाल गुर्जर ने जब अपनी राजनीति शुरू की थी तो उन्होंने पेरेंट एसोसिएशन की संस्था के माध्यम से की थी कि वो पेरेंट्स की समस्याओं को लेकर पब्लिक स्कूलों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे कि किस तरीके से पब्लिक स्कूलों में पेरेंट्स को लूटा जाता है, भारी भरकम फीस ली जाती हैं, वर्दियां, किताबें, मतलब बहुत सारे धंधे उन्होंने पेरेंट्स की जेब खाली करने के लिए बनाए हुए हैं। तो कृष्णपाल गुर्जर की राजनीति वहां से शुरू हुई। फिर वो फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव लड़े, पार्षद बने और पार्षद के बाद उन्होंने MLA का चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। और यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो चौधरी बंसीलाल की सरकार में पहले ही बार में वो कैबिनेट मंत्री बन गए। उसके बाद तो कई बार विधायक बने और अब वो आपके सामने हैं कि वो तीसरी बार फरीदाबाद से सांसद चुने गए हैं और तीसरी बार ही मोदी सरकार में बतौर केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। तो ये है एक पहला नाम। एक दूसरा नाम पंडित शिवचरण लाल शर्मा।
ये पंडित शिवचरण लाल शर्मा का परिवार मूलतः तो उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जेवर के आसपास से है, लेकिन फरीदाबाद में वो उनका परिवार दशकों से रह रहा है। पंडित शिवचरण लाल शर्मा का ऐसा परिवार है, पंडित शिवचरण लाल शर्मा वो पार्षद का चुनाव लड़े, जीते, सीनियर डिप्टी मेयर बने, अपनी पत्नी माया देवी को पार्षद के तौर पर जिताया, अपने बड़े बेटे को पार्षद बनाया, और फिर जब 2009 में भूपेन सिंह हुड्डा की सरकार बनी और 2009 में कांग्रेस के विधायक 40 रह गए थे, तो उस समय जो भूपेन सिंह हुड्डा ने अपनी सरकार बनाई उसमें कई आज़ाद उम्मीदवारों का उन्होंने साथ लिया और पंडित शिवचरण लाल शर्मा उनमें से एक थे जो बतौर NIT फरीदाबाद से विधायक बने थे और कांग्रेस के कम विधायक होने के नाते बहुमत में न आने के कारण 2009 में उनकी लॉटरी खुल गई और वो मंत्री बन गए, हरियाणा सरकार में मंत्री बने। और ये कमाल की बात है कि आज तो वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका सबसे छोटा बेटा नीरज शर्मा भी अब पिछले 5 साल से NIT विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद से विधायक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसी में एक नाम और आता है, शारदा राठौर। शारदा राठौर भी नगर निगम की पार्षद बनी पहले, फिर बाद में बल्लभगढ़ से 2 बार विधायक बनी और संसदीय सचिव रहीं, और फिर वो संभवतया बल्लभगढ़ से फिर तीसरी बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं, सीमा त्रिखा जी कुछ महीने से इकलौती हरियाणा मंत्रिमंडल में यानी भाजपा सरकार में महिला मंत्री हैं। 2 बार वो विधायक रह चुकी हैं दोस्तों, लेकिन वो भी पहले एक शिक्षिका थी, फिर वो नगर निगम का चुनाव लड़ी, फिर बड़कल क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ी और लगातार 2 बार पिछले 2 चुनाव उन्होंने लड़े और जीती। मनोहर सरकार में वे मुख्य संसदीय सचिव थी और आज वो सैनी जी की सरकार में मंत्री हैं। इसी क्रम में दोस्तों, ये तो हमने वो क्रम बताया आपको जो सफल हुए इस रास्ते के चलते हुए, लेकिन इसी राह पर कुछ और नेता बढ़ रहे हैं जो उन्होंने ABCD से अपने राजनीति शुरू की। उनका भी कोई गॉडफादर नहीं रहा, उनका कोई राजनीतिक परिवार नहीं रहा। इनमें अगला नाम है लखन सिंगला का। दोस्तों लखन सिंगला भी 90 के दशक में पहले निगम पार्षद चुने गए और यहां से उनकी राजनीति शुरू हुई। उसके बाद पिछले 2 चुनाव, पहला चुनाव वो 2014 में संभवतः यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो बल्लभगढ़ से लड़े, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा। फिर 2019 में ओल्ड फरीदाबाद 89 सीट से
कांग्रेस के टिकट पर एमएलए का चुनाव लड़े। इस बार भी मोदी लहर में वो हार गए, लेकिन मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ा। 44-45 हज़ार उन्हें वोट भी मिले, तो वो अभी सफल हुए नहीं हैं, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि जिस मुस्तैदी से वो लगे हुए हैं, शायद वो भी इस क्रम में एमएलए बन जाए। अगला नाम है धनेश अदलखा। दोस्तों, ये भी फरीदाबाद क्षेत्र से ही सेक्टर 7 के रहने वाले हैं और पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं। इनकी माँ भी पार्षद का चुनाव लड़ और जीत चुकी हैं। राजनीतिक गलियारों में इनका बड़ा रसूख है, नीचे से लेके ऊपर तक। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के भी बड़े करीबी बताए जाते हैं। वो किसी भी बड़े राजनीतिक से रसूख बनाने में उन्होंने पीएचडी की हुई है, इस मामले में उनका कोई सानी नहीं है। और वो पार्षद का तो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार वो भी बड़कल सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो पार्षद बनने के बाद एमएलए बनने की लाइन में धनेश अदल का भी एक बड़ा नाम माना जा रहा है। इसके अलावा योगेश धींगड़ा, इनके बड़े भाई भी निगम पार्षद चुने गए थे। योगेश धींगड़ा भी निगम पार्षद रहे हैं और ये भी एमएलए बनने की चाहत रखते हैं और बड़कल सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कांग्रेस की टिकट के लिए। मनोज नासबा, जो 2 नंबर से एनआईटी फरीदाबाद 2 नंबर से पार्षद चुने गए थे, अब वो भी इस ताक में है कि उनको भी बड़कल सीट से टिकट मिल जाए और वाया नगर निगम पार्षद वो भी विधानसभा में पहुंच जाएं। तो दोस्तों, ये मैंने जो है कुछ ऐसे नाम आपको गिनाए जो आम परिवारों से थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से, कठिन परिश्रम से, जनता के बीच में अपनी पहचान बनाकर राजनीति की बुलंदियों पर पहुँचे। विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने, और जो नहीं बने अभी वो इस लाइन में लगे हुए हैं कि शायद पार्षद बनने के बाद उनका भी नंबर विधायक बनने का आ जाए, उन्हें भी पार्टी का टिकट मिल जाए और वो भी इस क्रम में राजनीति की बुलंदियों को छुएं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि वाया नगर निगम पार्षद कितने नेता बुलंदियों पर पहुंचे और कितने अभी लाइन में लगे हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ, आपके सामने पेश होंगे। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।